क्वेश्चन नंबर 10 है, ई एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस वन माइनस ई एक्स सेकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इजिकल टू जीरो। पहले प्लस का जो सारा पीछे वाला नंबर है सारे को लेफ्ट साइड राइट साइड पे लेके गए तो माइनस में चला गया। फिर क्या किया, वेरिएबल सेपरेशन, ये ई एक्स है, ये डी एक्स है और एक्स वाला ये भी है, तो इन सबको एक तरफ ले लिया डी एक्स के साथ और वाई वाले हमेशा कोशिश करो वाई को राइट साइड पर लेफ्ट साइड पर रखने की। सेकेंड स्क्वायर वाई वहीं रहा, टेन वाई उसके नीचे चला गया, डी वाई वहीं है तो उसको मैंने लेफ्ट साइड पर लिखा। मुझे यहाँ पे पता है कि टेन वाई का जो डिफ्रेंसिएशन है वो सेकेंड स्क्वायर वाई होता है, इसलिए मैंने इसे टी लेट किया तो डी टी वाई टी आ गया। और सिमिलरली उधर वन माइनस ई एक्स को अगर मैंने लेट किया वो यू, तो उसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस ई एक्स, तो ये डी यू के इक्वल आ गया, इसलिए ये तो ऊपर आ गया डी यू बाई यू। जब इसको फॉर्मूले से ओपन किया तो ये लॉग टी बन गया, ये लॉग यू इज प्लस, दोनों लॉग में तो सी आ जाएगा लॉग में। फिर इसकी ओरिजिनल वैल्यू थी टेन वाई, यहाँ टेन वाई लगाया, इसकी ओरिजिनल वैल्यू ये है ये लगाई, और यहाँ से कितना बना, इन दोनों मैंने ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, तो मेरा आंसर आ गया लॉग से लॉग कैंसिल करके टेन वाई इज इक्वल टू सी वन माइनस ई एक्स।